सलाह यही रहेगी कोई भी खरीदे जिनके पास है वो दो का ट्रेल करें 225 के ट्रेल से कहीं ना कहीं दो सौ पच्च और फाइनली दो सौ अस्सी तक के टारगेट होने चाहिए आपने जस्ट याद लिया तो मैं डिम्पी जी आपको बताऊं गेल इंडिया एक हमारा प्रिफर्ड काउंटर है जो पिछले दो दिनों में हमने सजेस्ट किया था और आपको याद रहे कि वो स्टॉक एक सौ बयालीस से एक सौ तक का मूवमेंट दिखाया तो सेलेक्टिव जो एनर्जी गैस मेटल माइनिंग वाले काउंटर में थीम चल रहा है और इस थीम की वजह से हम इन सब काउंटर को मेरे को बिल्कुल याद है और मैं आपको एक और चीज भी आपको मैं ही आपका शेयर के लेवल्स भी याद दिलाता हूँ सर आप फ्राइडे को हमारे शो में रहते हैं फ्रेंडो में बारह बजे उस समय इसके रेट थे करीब एक सौ सैंतालीस रुपए जब मैंने आपसे पता किया था आपने मेरे को जो स्टॉप लॉस दिया था एक सौ बयालीस का दिया था बाद में चल गया था और फिर हमने रिवाइज किया था आपको ध्यान होगा सर एक सौ का आपने स्टॉप लॉस लगाया था इसमें बाद में और आपने टारगेट दिया था 154 का अब आपकी स्क्रीन पर वो 154 गेल इंडिया आपको दिख रहा होगा तो आप ना जब भी एक्सपोर्ट्स को देखे उनके ट्रेड ना अच्छे कंफर्म पकड़े हुए शेयर होते हैं उसमें तो आप जरूर रखें ध्यान फ्राइडे को मिला था और गेल इंडिया के बारे में चंदन जी आपने अच्छे से नोटिस कराया आपका टारगेट भी अचीव हुआ इसके लिए बहुत बढ़िया कैस्ट्रॉल इंडिया अभी भी नहीं रुक रहा कपिल ये तो आपने अच्छा ट्रेड दिया था आज भी तीन परसेंट ऊपर है मेरे को जरा ये बताएंगे कैस्ट्रोल इंडिया वाले प्रॉफिट बुक कर लें क्या या अभी और राइड होगा इस पर और चलेगा ये शेयर तो उसमें थोड़ी सी और गुंजाइश लग रही है 167 पे अभी चल रहा है तो और भी उसके अपसाइड मोमेंटम 173 के यहां तक रह सकती है तो शॉर्ट टर्म में और भी इसको होल्ड कर सकते हैं 173 के लिए एस्ट्रोल की बात हुई एक और स्पेस बैटरी